हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के श्लोक संख्या 17 को पढ़ रहे हैं। तो ये अंतिम विभाग है इस 15वें अध्याय का। चार विभाग इस पूर्ण अध्याय में है। एक है भगवत प्रवर्णन किया गया श्लोक संख्या 1 से 6 तक। भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है, फिर 7 से 11 में किस प्रकार से आत्मा का जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, आगे फिर बताया गया किस प्रकार से भगवान जो है सभी तरह से सब कुछ सच्ची चीजों का पालन करते हैं, उनके अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ पे योग की पूर्णता, पिछले श्लोक में ये बताया गया कि जीव दो प्रकार के, एक है क्षत तथा और इनका अंतर बताया गया कि शर्म मतलब क्या है। इस भौतिक जगत में जो भी जीव है वो चित है, शर है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अक्षत या अक्षत है। अभी ये दो प्रकार के जीवों का वर्णन करने के बाद भगवान बताते हैं यहाँ पे कि इन दोनों से अतिरिक्त, इन दोनों से अतिरिक्त मतलब क्या क्या इसका अर्थ है, कौन दोनों? शेर और ओके, अक्षर मात्र ठीक यस, शर और अक्षत, चित या अच्युत। एक परम पुरुष परमात्मा, तो इन दोनों के दो प्रकार के तो है, तो इन दोनों प्रकार के अतिरिक्त एक परम पुरुष है जो साक्षात अविनाशी भगवान। कौन है? परम पुरुष, परम पुरुष पुरुष यहाँ पे श्रेष्ठ उत्तम पुरुषम यहाँ पे उत्तम पुरुष श्रेष्ठ व्यक्ति पुरुष। और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहे हैं, तो भगवान जो है तीनों लोकों में प्रवेश करके जो है उनका पालन कर रहे हैं। अक्षर और भगवान पुरुष परमात्मा के रूप में वे सभी चीजों में प्रवेश है और वे सब चीजों का पालन करते हैं। तो इस श्लोक के विषय में अनेक अनेक जो ग्रंथ है जैसे कठोपनिषद, श्वेतासवर और उपनिषद वगैरह बहुत सुंदर ढंग से इनका वर्णन किया है। और यहाँ पर कहा गया है कि असंख्या जीवों के नियंता, जिसमें से कुछ बद है और कुछ मुक्त है, एक परम पुरुष है जो परमात्मा। तो उपनिषद में ये इसका वर्णन किया है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनाम नाम एको यो बहुनाम विद विद धाति कामाम नित्यो नित्य। ये भगवान और हमारे में ये अंतर क्या है? भगवान जो है व्यक्ति है, पुरुष है, हम भी जो है व्यक्ति पर्सन बॉडी। तो नित्यो नित्यानाम चेतनाम
चेतना। तो हम भी इस प्रकार से जीव है और भगवान भी इस प्रकार से, लेकिन अंतर क्या है? वे एक 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 जो है नित्यो नित्यानाम चेतना, वे बहुनाम विदधतिका, वे जो है पोषण कर सभी जो, ये एक मतलब नित्य, नित्यो मतलब जैसे कि सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर वन पर्सन, सिंगुलर एंड प्लूरल, या एक वचन बहुवचन जैसे के बोलते। तो नित्य नित्यो नित्याना दोनों जो है पुरुष है, पर एक जो है ये सभी के नित्यानाम बहुनाम, उन लोग का क्या कर रहे हैं? वे पालन कर पोषण कर। और क्यों वे परम है? क्योंकि वे सभी को जो है सभी का पोषण कर रहे हैं और सब कुछ जो है उनको दे रहे हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है या कोई भी जीव नहीं जिसका पोषण नहीं हो रहा है। जैसे कि जेल में भी लोग रहते हैं, जेल में तो सब जो है क्या कहते हैं, जिन्होंने अनेक अनेक अपराध किए हैं या वगैरह दंड के पात्र है, पर जो वे जेल में डाले जाते हैं ना, क्रिमिनल्स है जो, तो उनको जेल में जाते, फिर भी जो है उनकी उनका पोषण करती, उनको खाना वगैरह देती है, उनके लिए भोजन रहता है, उनके लिए रिक्रिएशन रहता है, अगर वे बीमार पड़े तो फिर उनका देखभाल किया जाता है, हॉस्पिटल में लिया जाता है। तो कोई भी ऐसा भूखा नहीं रहता है, जैसे कि एक राज्य में जेल में भी। तो इसी प्रकार से ये भौतिक जगत जो है ये एक प्रकार का जेल ही है, और इसमें हम सब जो है कैदी है, फिर भी भगवान जो है अम्बद है, हम इस भौतिक जगत में से बाहर नहीं निकल सकते, है ना? तो इसके लिए इस भौतिक जगत में हमारे पोषण के लिए भगवान सब कुछ जो है हमें दे रहे हैं। जैसे अभी वो लोग चंद्रमा में जाने की सोच रहे हैं, बाहर नहीं निकल सकते, वहां मैक्सिमम क्या कर सकते, नहीं रह सकते। हमें यहाँ ही रहना है, तो हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, तो इसीलिए सब कुछ प्रदान किया। लेकिन जब हम भगवान के शरणागत हो जाते और हम भक्त बन जाते, तो इस भौतिक जगत से, इस बद अवस्था से हम बाहर निकल सकते। जैसे कि नारद मुनि, हम देखते हैं नारद मुनि भी मुक्त है, मुक्त आत्मा है, वे कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी भी लोक में जा सकते हैं, एक लोक से दूसरे लोक में भी जा सकते, क्योंकि
वे भक्त है, भगवान के भक्त। तो जिस प्रकार से भगवान स्वतंत्र है और जब हम सिद्ध हो जाते, परफेक्ट हो जाते हैं, भक्तिमय हो जाते हैं, तो भक्ति में लग जाते तो हम मुक्त हो जाते। तो ये बद्ध अवस्था से मुक्त अवस्था, मुक्ति मुक्ति लोग बोलते हैं, लेकिन उसका क्या, उसकी परिभाषा क्या है और उसको मुक्ति का अर्थ क्या है, ये भी समझना बहुत जरूरी है कि मुक्त होना बद्ध अवस्था से, मुक्त अवस्था मतलब इस भौतिक जगत के इस जेल में से बाहर निकलना, और वो रास्ता है भगवान की शरण। तो रास्ता है कि ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्णा प्रसाद पाए भक्ति लता बीच। तो गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से भाग्यवान जीव जब उनकी कृपा प्राप्त करते हैं तो वे निकल सकते, और हमारे हृदय में वो भक्ति लता का बीज जो है उसको हम जो है प्राप्त करते। तो इस बद्ध अवस्था में भी हम वेदिक जो सिद्धांत है उनका पालन कर सकते हैं, और हम जो है भगवान की सेवा में लग के हम जो है सुख की प्राप्ति। अगर सुख है इस भौतिक जगत में, भगवान की सेवा में है, और कोई है। और जब हम इस भौतिक जगत में भगवान की सेवा करते हैं तो हम जो है आध्यात्मिक जगत में जो है चले जाते। तो ये जैसे कि हम पढ़ रहे हैं भागवतम में भी, यहाँ पे भी बताया गया है कि इस बद्ध अवस्था से हमें मुक्त होना है, और शरणागत होकर हम जो है काल के प्रभाव से जो है छूट सकते हैं। एक ही रास्ता है, वो है भगवान की भक्ति, भगवान की का शरणागत। तो सारांश यह है कि बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से एक परम पुरुष भगवान होते हैं, जो उन सबको सबका पालन करता है और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार भोग की सुविधा प्रदान करते हैं। तो सब सुविधाएं भगवान प्रदान करते हैं, एक भगवान नित्यो नित्य। वह भगवान परमात्मा परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित। तो ये बार बार हमें सभी शास्त्रों में हम इसको जो है सीख, भागवतम में भी क्या है यहाँ पर, ताकि हम इसको समझें और हमारा इस कलयुग में हमारी बुद्धि जो है इतनी तेज नहीं है, भूल जाते हैं हम बहुत जल्दी, खास करके आध्यात्म के विषय में, क्योंकि भौतिक चीजों का प्रभाव बहुत ज्यादा इस जगह। जो बुद्धिमान व्यक्ति उसे समझ सकता है, वही पूर्ण शांति लाभ कर सकता है, अन्य कोई नहीं। तो यहाँ पे शांति का सूत्र भगवान भगवद्गीता में बताते हैं, मुक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोकेश्वरम सुविदाम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति। तो ये भगवान जो भोक्ता
कौन है जानकी? भोक्ताराम। इसके यज्ञ और तपस्या और सर्व जितने भी लोग हैं उनके ईश्वर सर्वलोक महेश्वरम महाईश्वर सुरिदाम। सुरिद मतलब सबसे अच्छा मित्र। सुरिदम सुरिद यहाँ पे बता रहा है। सुरिदम मतलब सबकी शुभ चिंतक। इसके सर्वभूतानां सुरिदम से जो ये जान लेता है कौन है भोक्ता भगवान। जब तक कि हम ज्ञान को नहीं प्राप्त करते या ये जानते नहीं कि भोक्ता भगवान है और सर्वलोक सर्व सभी जितने भी लोग उनके स्वामी हैं और सभी के सुहृद है तब तक जो है ज्ञात्वा माम जो जानता है वो शांति मृच्छति वो शांति प्राप्त करता है। नहीं तो शांति प्राप्त करना मुश्किल। तो लोगों को ये फॉर्मूला इतना सारा पीस टॉक्स होते हैं इतने सारे पीस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं पर यहाँ पे बताया है बता भगवान ही बेनिफिशियरी है सब कुछ उनका है तो इसीलिए सब कुछ उनको ही अर्पण करता है। कोई भी उनसे महान नहीं है सभी देवताओं से भी वरम है शिव जी है या ब्रह्मा जी और ये शास्त्रों का प्रमाण है शास्त्रों में बताया है तम ईश्वरानाम परमम महेश्वर। श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया बहुत सारे शास्त्र का प्रमाण है। इन भगवान भी बताते हैं पर माया के प्रभाव से जो है ये हम नहीं जानते और हम इस भौतिक जगत के ऊपर प्रभुत्व जताने की कोशिश कर रहे हैं और इसके कारण जो है हम दुख वो भोग रहे और हम शांति नहीं प्राप्त। सभी के नियंता भगवान और जब हम भक्ति के मार्ग पे आ जाते हैं तो हम शांति को प्राप्त कर सकते। तो यही एक मार्ग है भक्ति का मार्ग और आध्यात्मिक मार्ग और भक्ति में मार्ग में अंतर ये है कि सब जो है क्या करना चाहते हैं सब लोग मालिक बनना चाहते हैं सब लोग स्वामी बनना चाहते हैं कोई भी सेवक नहीं बनना चाहता। ये भौतिक जीवन है या भौतिकवादी विचार पर भक्ति में विचार उसे जो है ऑपोजिट है ऑपोजिट। तो क्या है सब जो है क्या क्या भाव है भक्तों का भाव क्या है। गोपी बातुर पद कमलयोर दासानु दासानु दास। सिर्फ दास नहीं गोपियों के गोपियों के दास भी नहीं गोपियों के क्या है दासों के दास। तो ये स्वामी बनने का जो बनने की जो भावना है वो ऑपोजिट या विपरीत
उपलब्धि आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन में सब स्वामी बनना चाहते हैं और यही कारण है कि हम बद्ध अवस्था में हैं। और मुक्त अवस्था मतलब हम जो भी ये भगवान की दास, भगवान की भक्त हो गया, गोपियां, गोपियों के दासों के तो यही कारण है इस बद्ध जीवन का, कोई दूसरा कोई कारण नहीं। पर ये जो है कोई भी नहीं बन सकता, जो पोजीशन ऑलरेडी, अगर किस कुछ चीज हमें चाहिए, कुछ पोजीशन चाहिए, पोजीशन किसी ने ऑलरेडी ले लिया है या वो पोजीशन पर है, तो हम कैसे वो पोजीशन पे आ सकते। तो भगवान ही भोक्ता है, भगवान ही स्वामी है, भगवान ही नियंता है, और सब कुछ भगवान से ही, सभी भगवान ही उद्गम स्थान है सभी चीजों का, जिसका वर्णन यहाँ पे पूरे इस अध्याय में बताया गया है बहुत ही विस्तार रूप से। तो अगर वो बनना चाहेंगे, अगर अगर सेवक स्वामी का जो सेवक है वो स्वामी बनना चाहेगा, तो हमेशा दुखी, दुख का ही अनुभव करेगा। वो दुखी ना, दुखी रहेगा, वो सुखी नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसी के कारण जो है हम अशांत लोग अशांत हैं, क्योंकि जो वे प्राप्त करना चाहते हैं वो उनको मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि प्रकृति के नियम, भगवान के अनेक अनेक रूप है। जैसे कि हम पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम की भगवान का एक रूप काल है, भगवान का एक रूप है काल, इसके कारण अगर वे माने या ना माने, वे कितना भी कोशिश करे, आधुनिक युग में विज्ञान के द्वारा, साइंस के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा कितना भी कोशिश करे, कुछ हद तक वे प्रभुत्व जताते हैं, लेकिन काल का क्या। इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि अगर शांति प्राप्त करना है तो हमें जो है क्या बनना है, दास। दास मतलब सेवक। पर हमारा जो अनुभव इस भौतिक जगत सेवक का जो है अच्छा नहीं है, इसीलिए कोई सेवक नहीं बनना चाहिए। सेवक नहीं बनना चाहता क्योंकि उसमें कोई जो है आनंद नहीं, किसी का सेवा करने के लिए। हम कितना करते हैं, अनेक अनेक स्तर पर हम सेवा करते हैं, परिवार में है, जैसे कि माता पिता अपने बच्चों का, बच्चे अपने माता पिता का, या भाई अपने बहन, बहन भाई जो भी है, मित्र, पर हमेशा कुछ ना कुछ कमी हो जाती है। सास बहू का तो बहुत बड़ा है, हमेशा वही सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा जो है झगड़ा, अशांति घरों में अगर है ये सास और बहू का, ये क्या सोचते हैं, सास सोचते हैं कि अभी बहू आ जाएगी तो वो मेरी सेवा करेगी और मैं बैठ जाऊंगी, तो और बहू सोचते मैं क्यों करूं, मेरा पति इतना बड़ा डायरेक्टर है, मैं क्यों सास की सेवा। और फिर उसमें, और फिर अगर बहू करेगी भी
फिर सास जो है बोलेगी कि मेरे बेटे की सेवा उसमें भी वो, मैं तो उसको ऐसे ऐसे खिलाती ऐसे 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 बर बोल बोल के, यही हो रहा है ना झगड़े। क्योंकि सब लोग जो है अपना प्रभुत्व, अपना पावर, अपना पोजीशन दिखाना चाहते हैं, और ये गृहस्थी में से शुरू होता है और पूरा जो है सोसाइटी, समाज, पूरा जो है विश्व में यही शांति है। लेकिन अगर हम जाने तो हम भुगता नहीं, भगवान भुगता। पर यही कारण, तो इसको अगर हम निकाल दें ये स्वामी बनने का और भगवान के दास बन जाए, तो इस भौतिक जगत में दास और आध्यात्मिक दास में बहुत अंतर है। तो नित्य नित्य नाम चेतना चेतना, भगवान भी व्यक्ति है, हम भी व्यक्ति है। तो जब हम उनको सेवा करते हैं, उनके मित्र बनकर, उनके परिवार के सदस्य बनकर, उनके प्रियतमा बनकर, तो वो जो सेवा जो भगवान अपने भक्तों या अपने जो सेवकों को ज्यादा सेवा करना चाहते, जितना सेवकों को भी शक्ति नहीं उससे भी ज्यादा भगवान, ये है अंतर इस भौतिक जगत और इस आध्यात्मिक, जो दोनों के बीच में यही क्या है प्रतियोगिता। ग्वाल बाल और भगवान, भगवान ग्वाल बाल की सेवा करना चाहते, ग्वाल बाल चाहते भगवान की सेवा। तो ये सेवा भाव और प्रेम भाव से, सेवा मतलब प्रेम। अगर प्रेम नहीं है तो सेवा का जो है प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसीलिए प्रेम अपमर्थो न, और भगवान की शरणागत होकर उनसे प्रेम करें। और जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हम भी जो है हम आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करते हैं। इस भौतिक शरीर को त्याग कर हम आध्यात्मिक, या इस जो आवरण है ये सब आवरण जो है उतर जाते हैं, और हम अपने पुनः जो है क्या आते हैं, अपने असली स्वरूप में आ जाते। तो जो कुछ भी इस जीवन में भी, इस जीवन में भी जो कुछ भी इस भौतिक जगत में है, अगर हम भगवान की सेवा में लगाते हैं हमारे शरीर से लगकर, तो सब कुछ जो है स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाता है, हमारा शरीर स्पिरिचुअलाइज्ड है। जिस प्रकार से क्या बोलते हैं, ये वायर रहता है ना, इलेक्ट्रिक वायर रहता है, इलेक्ट्रिक वायर, प्रभुपाद जी बताते कि उसके अंदर क्या रहता है, कॉपर। कॉपर को क्या बोलते हैं, तांबा। तांबा, तांबे का रहता है अंदर। तो जब वो वायर इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में आ जाता है तो वो तांबा नहीं बनता, वो इलेक्ट्रिसिटी ही बन जाता है। क्योंकि वो संपर्क में किसके साथ आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन द कॉपर वायर कम्स इन टच विद इलेक्ट्रिसिटी, इट इज नो मोर कॉपर, इट्स बिकम इलेक्ट्रिसिटी। इसी प्रकार से जब हम हमारी जो ये भौतिक शक्ति या जो कुछ भी है हम भगवान की सेवा में लगाए, तो वो भौतिक नहीं आध्यात्मिक बन जाता है। सब कुछ आध्यात्मिक,
जो कुछ भी है, चाहे हम वो खड़ताल है, चाहे वो हारमोनियम है, चाहे वो मृदंग है, वो सब कुछ। इसीलिए हमें सब चीजों को जो है सम्मान देना चाहिए। इसको हम भगवान की सेवा में लगा रहे, वे भौतिक नहीं, अच्छे विग्रह की सेवा जब हम करते हैं तो वे भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक बन गया। चाहे वो किसी भी धातु का हो, चाहे वो पत्थर का हो, चाहे वो मिट्टी का हो, चाहे वो लोहा, चाहे जो कुछ भी है वो स्पिरिचुअलाइज्ड हो। और जब हम इस प्रकार से हमारा शरीर से लेके सब कुछ भगवान की सेवा में लग जाते हैं, तो हम जो है इस भौतिक जगत के चंगुल से बाहर। माम चलो व्यभिचार भक्ति योगेन सेवते सगुणा समर्पित नेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। एनीवन हु सीरियसली एंगेजेस इन माय सर्विस भगवान के, इमीडिएटली बिकम्स ट्रांसेंडेंट टू मटेरियल क्वालिटीज एंड कम्स टू द प्लेटफॉर्म ऑफ ब्रह्मन और स्पिरिट टू द। तो जो कुछ भी हम जैसे कि भगवान को फल अर्पण करते हैं, तो ये फल जो भगवान को अर्पण करते हैं और सामान्य फल में क्या है अंतर, एक जैसा ही दिखता है लेकिन क्या फल, इसमें क्या हो गया है? वो फल जो है क्या हो गया है, स्पिरिचुअलाइज्ड प्रसाद बन गया, भगवान की कृपा उसके अंदर आ गया। तो ये परिणाम, और बिना सिर्फ फल भौतिक। इस प्रकार से हम जब भी सब कुछ खा रहे हैं तो प्रसाद, हमारा शरीर प्रसाद खाने से पूरा शरीर ही प्रसाद बन जाता है। तो इस प्रकार से हम जो कुछ भी है भगवान की सेवा में गुरु के आदेश के अनुसार हम करें, तो ये भौतिक चीज, भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति में हम बदल सकते हैं और हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे असली स्वरूप का पोषण कर जब हम प्रसाद खाते हैं तो हमें पोषण मिलता है और हम जो कुछ भी इस भौतिक जगत में हम भगवान को अर्पण करके खाते हैं या इस्तेमाल करते हैं या देते हैं या स्वीकार करते हैं, सब कुछ भगवान को अर्पण, सब जो इसीलिए भगवान को भी देखना, कृष्ण बहिर्मुख पे भोग वांछा करे निकटस्थ माया झापटी है। भोगता सब कुछ उनका है, सब कुछ जो है उनको अर्पण करते हैं, और इस भौतिक जगत में भी हम शांति प्राप्त करते हैं। हर एक को भगवान के अंश के रूप में दे, हर एक को जो है सम्मान दो, चाहे कोई भी हो, चाहे नौकर हो, चाहे वो बहू है, चाहे बेटी है, चाहे वो सास, अरे
Delicious. Shamat. That's really lovely. Right. So is that done? We can just do the 18. तो इसी प्रकार से हाँ हमें जान 18 करेंगे थोड़ा अभी है फिर आई थिंक बाय 9 मतलब 10 मिनट 10 मिनट में हम कर लेंगे तो फिर कीर्तन हाँ माता जी, वगैरह। तो आगे का श्लोक कौन सा है? 18वां, ताकि फिर वी विल बी इन लाइन। ना I'll only just repeat it because we've saved time. Yasmat ज्वरमति तो हम अठारह अक्षरादपि चोत्तमः अधूमि लोके वेदे च प्रतीत पुरुषोत्तमः। ओके चार माता जी आप उसका सबका धन्यवाद और बात करें जल्दी से कर लो। जी माता जी। यस्मात् चरम अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च पथिता पुरुषोत्तमः। यस्मात् चुकी चरम ये च्युत अतीत दिव्य अहम् मैं हूँ अक्षरात् अक्षर से परे अपि भी च तथा उत्तमः सर्वश्रेष्ठ अतः अतमेव अस्मि मैं हूँ लोके संसार संसार में वेदे वैदिक साहित्य में च तथा प्रतिथ विख्यात पुरुष उत्तमः परम पुरुष के रूप में। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तात्पर्य भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, न तो बद्ध जीव न मुक्त जीव, अतएव वे पुरुषोत्तम है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जीव तथा भगवान वैशिष्ट हैं। अंतर इतना है कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में रहे या मुक्त अवस्था में, वह शक्ति में भगवान की अकल्पनीय शक्तियों से बढ़कर नहीं हो सकता। यह सोचना गलत है कि भगवान तथा जीव समान स्तर पर है या सब प्रकार से एक समान है। इनके व्यक्तित्वों में सदैव श्रेष्ठता तथा निम्नता बनी रहती है। उत्तम शब्द अत्यंत सार्थक है, भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। लोक के शब्द पौरुष आगम स्मृति शास्त्र में के लिए आया है, जैसा कि निरुदति कोष में पुष्टि की गई है। लोकयते वेदार्थो अन्यने, वेदों का प्रायोजन स्मृति शास्त्रों में विवेचित है। भगवान के अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप का भी वेदों में वर्णन हुआ है। निम्नलिखित श्लोक वेदों में छांदोग्य उपनिषद 8.12.3 आया है। ताव देश संप्रसादो अम अस्मरण च शरीरात् स्मुत्थाय परम ज्योति रूपम स्मत्पधेय स्वेन रूपेणाभिनिष पद्धते स उत्तमः पुरुषः। शरीर से निकलकर परम आत्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है, तब वे अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। यह परम आत्मा ही परम पुरुष कहलाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि परम पुरुष अपना आध्यात्मिक तेज प्रकट तथा प्रसारित करते रहते हैं और यही चरम प्रकाश है। उस परम पुरुष का एक स्वरूप है अंतर्यामी परमात्मा। भगवान सत्यवती तथा पराशर के पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कर व्यास देव के रूप में वैदिक ज्ञान की व्याख्या करते हैं। हरे कृष्ण। थैंक तो थैंक यू वेरी मच। यू माता। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं यस्मा शरम अति तो
मैं दोनों से क्या है, क्या है, शरम और अक्षरम से मैं क्या हूँ, परी हूँ, क्योंकि मैं उत्तम उत्तम हूँ। और आगे क्या बताया गया कि चूंकि मैं शर तथा अक्षर दोनों से परे हूं और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, तो भगवान सर्वश्रेष्ठ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में व्यक्त। तो भगवान यहाँ पे प्रमाण भी दे रहे हैं। पहले तो वह कह रहा है कि मैं तो इन दोनों से, जिनका वर्णन इन दो श्लोकों में किया गया था, पहले भगवान कहते हैं मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं उनसे परे हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, और वेदों का प्रमाण भगवान है, वेद अतोस्मि लोके वेदे च, कि मैं पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम है मैं परे हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं वेदों में ये प्रमाण है, और मैं परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। सभी वेदों में भगवान का ये बताया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जानना से चाहिए कि भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है। न बद्ध जीव न मुक्त जीव। तो भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, न बद्ध जीव न मुक्त जीव, अतएव वे पुरुषोत्तम है। तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी वेदों में उत्तम शब्द यहाँ पे अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान से बढ़कर कोई नहीं है और वेदों में परम पुरुष के रूप में भगवान विख्यात है। तो ये वेदों का प्रमाण है। भगवान श्री कृष्ण और श्री विष्णु ही जो है परम पुरुष, और कोई नहीं। और शास्त्र में वेद, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारत तथा आदो अन्ते च मध्ये चा हरिः सर्वत गीयते, ये शास्त्र सभी वेदिक शास्त्र रामायण, वेदे रामायणे चैव पुराणे, सभी शास्त्र, चाहे वो रामायण है, पुराण है, महाभारत है, शुरू से, मतलब आदो, आदो मतलब शुरू, मध्य बीच में और अंत में भगवान श्री हरि का ही गुणगान है, और वे ही परम है। और सब कुछ जो है इस भौतिक जगत में है भगवान से जुड़ा हुआ है, इसीलिए भगवान भगवद गीता में वर्णन करते मतरतरम किंच अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणि गण मत पर, सब कुछ मेरे से कुछ भी जो है मत परतरम नन्यात, कुछ नहीं है मेरे से आगे, मेरे से बढ़कर कुछ नहीं है, परम कुछ नहीं,
मैं ही सब तो मैं ही सर्वम इदम्भूत, जिस प्रकार से एक धागे के ऊपर क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मणिगणा सूत्रे मणिगणा इव, जिस प्रकार सब कुछ मेरे से जुड़ा हुआ है, मेरे से कोई भी चीज जो है, जैसे कि एक माला है, ये माला है, इस माले माला को अगर बाहर से देखा तो क्या दिख रहा है, फूल दिख रहा है, लेकिन ये फूल अपने अपने इस प्रकार से स्थित कैसे है अपनी जगह पे, क्योंकि इसके अंदर जो धागा है तो भगवान होता है, इसीलिए सभी चीज जो है अपनी कक्षा में रह रहे, ये सब जो है धारण कर रहे हैं, और इसी प्रकार से सब जो कौन कर, देयर इज नो ट्रूथ सुपीरियर टू मी, एवरीथिंग रेस्ट ऑन मी एज पर्ल्स आर स्ट्रंग ऑन अ थ्रेड। तो भगवान अपने अपने आप के विषय में बता रहे, भगवद गीता भगवान अपने विषय में बता रहे थे कौन है पुरुषोत्तम, वेदों में भी ये वर्णन है, उनके आगे उनसे परे और कोई नहीं, उनसे उनसे बढ़कर कोई नहीं, भगवान से बढ़कर कोई नहीं, चाहे कोई भी है। भगवद गीता में भगवान अपना विराट रूप दिखा, तो सब कुछ भगवान के शरीर में अर्जुन ने देखा, इस प्रकार से भगवान ने अपने स्वरूप को दिखा, इस प्रकार से जो कुछ भी बता रहे हैं, तो भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान एक ही है, वे है श्री कृष्ण। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और इस डाउट के लिए भगवान इतने सारे जो चीजें बता रहे हैं, और इतने सारे शास्त्र में श्री कृष्ण के सिवाय और कोई भगवान है, क्योंकि उन्होंने अपनी अपने विषय में बताया है, और उन्होंने ये सिद्ध भी कर दिया कि वे भगवान, चाहे वे शिव शिव जी ब्रह्मा जी और अनेक अनेक जो देवताएं हैं उनसे भी परे हैं, कभी कभी ये अनेक देवता हैं, चाहे वो ब्रह्मा जी है, शिव जी है, नारद इंद्र है, इंद्र है, उनको भी कभी कभी भगवान कहा जाता है, लेकिन वो परम नहीं, मूल नहीं, वे गौण है, क्योंकि उनके उनमें भगवान की कुछ गुण है, कुछ गुण जो भगवान में उनमें है, जैसे कि ब्राह्मण को इस भौतिक जगत में ब्राह्मण को क्या कहते हैं, भूदेव, भूदेवता, इस देवता कहते हैं, लेकिन क्यों, क्योंकि उनके पास वो देवताओं के गुण, उसी प्रकार से ब्रह्मा शिव जी या नारद जी है या इंद्र है, यानी उनको भी भगवान कभी कहा गया, इसका मतलब ये है कि परम भगवान परम पुरुषोत्तम नहीं है, परम पुरुषोत्तम एक ही है, ये शास्त्र का प्रमाण, जैसे कि ब्रह्म संहिता में क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहि तथा पृथगस्ति है तो यशंभुतामपि तथा समुपत्ति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि।
यथा दधि विकार विशेष, जिस प्रकार से दूध जो है दही के में बदल जाता है किसी एसिड जैसे भी चीज के कारण, एसिड के कारण वो क्या बन जाता है, दही। तो ये दोनों है कि दूध ही, दही को भी दूध कह सकते हैं और दूध को भी दही, लेकिन अंतर ये है कि इनका विकार हो। तो इस प्रकार से शंभू जो है, और भगवान वो भी भगवान की तरह, उनका जो है विकार है, क्योंकि वे क्या है, वे इस जगत के डिस्ट्रक्शन शंभू का कार्य क्या है, डिस्ट्रक्शन। जस्ट एज मिल्क इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कर्ड बाय द एक्शन ऑफ एसिड, बट येट द इफेक्ट कर्ड इज नाइदर सेम एज नॉट डिफरेंट फ्रॉम, तो इसके लिए अचिंत्य देव, इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम इट कॉज मिल्क, सो आई गिव द प्राइमरी मिल्क इन द फॉर्म होम। The state of Shambhu is a transformation for the performance of the work of destruction. तो इसीलिए भगवान ही परम, सभी शास्त्रों में जितना भी परम प्रमाण चाहिए, नारायण नारायण वासुदेव परागेव वासुदेव परामकर वासुदेव परायोगा वासुदेव परात्रेय वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तप वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। ओके, तो ये यहाँ पे भगवान बहुत सुंदर रूप से बताते हैं कि अंतर्यामी भगवान परमात्मा के रूप में है, और उन परमात्मा के रूप में होकर वे सब जो है, सब चीजों का नियंत्रण कर रहे हैं। यहाँ पे उनको मन किया, चूंकि मैं शब्द तथा अक्षर दोनों से परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। सो आज हमने श्लोक संख्या 17 और 18 कंप्लीट किया, फिर 2 दिन में 19 एंड 20।